हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं नवीन मुंजाल। भाई साहब, आज एक्चुअली बच्चे जो हैं, आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सीयूटी रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, उसके ऊपर मेम्स आ गए, फनी वीडियो आ गई। बच्चों को भी इतनी टेंशन में, बच्चे वहां पे लिख रहे हैं कि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी नहीं है, नेशनल टेंशन अकेडमी बन गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी टेस्ट एजेंसी को बच्चे टेंशन एजेंसी बोल रहे हैं, टेंशन एकेडमी बोल रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं यार, इतने लाखों लोगों का एग्जाम लेना था। अब उसमें बहुत सारे बच्चों ने मेल लिखा। बेटे 2 मिनट लगेंगे आपको, मैं एक्सप्लेन पूरा करूंगा। आपके जो भी डाउट है यूपी वाले बच्चों के, मैं सारे डाउट करीबन मैं 6 बजे के, 6 से लेके 7:30 तक बेटे पार्क में था। 7:30 से लेके अभी तक मैंने डाउट ही लिए हैं, अलग अलग बच्चे के अलग अलग डाउट थे, ठीक है। और आंसर की रात को आ गई थी, बच्चों ने मैच भी किया है जीसीसी के बच्चों की। अभी तक जो मेरे को सुनने में आया है, क्योंकि जितने बच्चों, मैं सारे बच्चों से बात नहीं कर सकता, तो जीसीसी में हाईएस्ट मार्क्स 530 बन रहे हैं 700 में से, ऐसा बच्चे ने बताया है मेरे मेरी नजर में, ठीक है। और वो फीमेल कैंडिडेट है, बढ़िया बात है। और वो बच्ची शुरू से Day 1 से क्लास में अटेंटिव थी, वो भी बढ़िया बात है। गुप्ता साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कृति के भी ठीक ठाक नंबर हैं, हर्षित के भी ठीक ठाक नंबर हैं, आशुतोष पटेल के भी, पंकज कुणाल, इनसे मेरी अभी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं बच्चों को ये कहना चाह रहा हूं कि आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, पहले तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सीयूटी कि आंसर की में गलती है, तो बेटे ये ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने पता नहीं देख लिया होगा, वैसे मे बी ये तो आंसर की है। ओहो, ये था, ठीक है। इसमें आज नहीं, सॉरी, आज तो 9 है, कल कल 11:50 तक आप जो है अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और उसका ₹200 जो फीस है। और कैसे चैलेंज करना है, आपने अगर अपना अकाउंट खोल रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट खोल रखा है, अब यहाँ पे अकाउंट में आपको यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन में लग रहा है, मैंने ये आंसर की खोल रखी है, दूसरी साइड मैंने पेपर खोल रखा था, आप उसको गूगल से चेक करके अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है, तो आप बिल्कुल उसको ₹200 पे करके कि मेरे हिसाब से ये सही है, और उसका जो सल्यूशन है नीचे आप PDF में अटैच भी कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। कब तक? कल रात 11:30 तक, ठीक है बेटे। जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये पहला क्वेश्चन होगा, इसका डी करेक्ट आंसर है, और बच्चे को लगता है कि इसका सी होना चाहिए, तो उसके बाद वो नीचे उसका सल्यूशन के साथ उसको सबमिट कर सकता है, पहली बात। अब दूसरी बात, दूसरी दिक्कत क्या है, जिन बच्चों ने मेल लिखा था, जिनका 4 तारीख को, 6 तारीख को कभी भी पेपर में गड़बड़ थी, कोई टेक्निकल ग्लिच था, और वो दोबारा पेपर देना चाहते हैं, लेकिन उनका अभी रिजल्ट आ गया, और वो अभी रिजल्ट के साथ अपने, उनको लगता है कि ठीक है रिजल्ट, मेरे को दोबारा पेपर नहीं देना है, तो मत दो यार। लेकिन अगर तुम्हें लगता है, वैसे देने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके बेस्ट ऑफ टू मतलब 2 पेपरों में जिसमें अच्छे मार्क्स होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। सर, मेरे मेरा मैथ का गंदा हुआ था, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है या मेरा जो जनरल टेस्ट है वो वहां पे बढ़िया हो गया था, ठीक है बेटे। आपका, आप सोच रहे हो कि मैं इस पेपर, अगले पेपर में सिर्फ मैथ अटेम्प्ट करूंगा, तो आपको पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। उसमें से बेस्ट, जिनमें से ज्यादा नंबर बनेंगे वो आप ट्रीट कर सकते हो। ऐसा जेई मेंस में भी होता है, जेई का पेपर देते हैं, 2 पेपर 3 पेपर, तो उनमें जो बेस्ट स्कोर होता है वो कंसिडर कर लेते हैं, तो सीयूटी में भी जो बेस्ट होगा वो स्कोर कंसिडर कर लिया जाएगा। बाकी आप टोल फ्री नंबर पे ग्रेवेंसीज पे मेल डाल के ये पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आज 9 तारीख है, कल 10, परसों पेपर है आपका। मैं एडमिट कार्ड भी दिखाना चाहता हूँ, मैं एडमिट कार्ड दिखाना चाह रहा था बेटे आपको। मैंने ओपन कर रखा था यहाँ पे, एक सेकंड रुको, मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूँ। ये रहा बेटे एडमिट कार्ड, मैंने जो है बच्चे का स्क्रीन पे डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस बच्चे का पेपर ऑलरेडी हो गया है, इसका रिजल्ट भी आ गया, इसने आंसर की में आंसर भी मैच कर लिए, ठीक है। इसका 11 तारीख को दोबारा एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी दिखा रहा है, 11 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। और
इसको वहां पे 9 बजे का टाइम है तो भैया 8:30 पहुंचना है, और ये गोरखपुर में इसका सेंटर पड़ा है। अब इसने पहले मेल लिखा होगा तभी आया है, ठीक है। अगर इसको लगता है कि इसने जो पहले वाला आंसर है वो ठीक है तो ये इसको इग्नोर कर दे, अदरवाइज पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। अब ये बच्चा सोच रहा होगा, सर मैंने तो तैयारी अभी इतने टाइम से करी नहीं थी, इतने टाइम से देखा नहीं है, तो अब मैं कैसे दे दूं, है ना। सीयूटी मतलब जो एनटीए है उसने तो मजाक बना के रखा हुआ है ना, कब पेपर हो रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, इतनी डिले कर दिया रिजल्ट आने में भी। कोई बात नहीं बेटे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया दिल्ली में लेटरल एंट्री वालों के एडमिशन हो गए हैं, हरियाणा में लेटरल एंट्री वालों के एडमिशन हो गए हैं, ऐसा नहीं है, तो यूपी में भी हो जाएंगे। और आपकी ये वेबसाइटों में भी अभी HBTU है ये भी CUT के माध्यम से लेगा, MMUT है ये भी CUT के माध्यम से लेगा, AKTU में चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज है चाहे सरकारी कॉलेज है वो भी किसके माध्यम से लेगा, CUT के माध्यम से लेगा। उसके लिए जो एडमिशन का उनकी आपको काउंसलिंग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, आपके स्कोर आप अपना स्कोर वहां डालेंगे उसके बेसिस पे रैंक बनेगी और उस रैंक के बेसिस पे एडमिशन हो रहा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों जगह काउंसलिंग करनी पड़ेगी बेटे, और किसी भी बच्चे के अगर 200 नंबर भी बन रहे हैं 700 में से तो भी मैं कह रहा हूं कि काउंसलिंग करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं लिखा CUT का, क्योंकि पेपर उनको इतना लग रहा था, इतनी कंफ्यूजन लग रही थी कि सिलेबस चेंज हो गया, ये मजाक सा बना दिया, तो डिप्लोमा के बच्चों ने ना क्विट कर दिया था। अब भी 11 तारीख को पेपर है तो बच्चे कह रहे हम पेपर ही नहीं देंगे। अरे भाई बेस्ट ऑफ टू लगने हैं, आपके पास एक चांस है कि अगर आपके नंबर 380 बन रहे हैं तो आप उसको 420 कर सकते हो, 380 तो ही है, 380 कहीं जा नहीं रहे, ऐसा नहीं है आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो 380 से भी नीचे बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं देना, तो वहां पे एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने आपका पेपर सबमिट हो गया है तो प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी अपियर्ड इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 और बोथ अर्लियर। अगर आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 के सारे पेपर में आपने अटेम्प्ट कर लिया था, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, तो आप छोड़ दो, मत दो। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, आपको लगता है कि लेकिन अगर आपको लगेगा यार मैं तो तैयारी इतने टाइम से कर ही नहीं रहता, अरे कंपटीशन की तैयारी 1-2 दिन में नहीं होती, आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे नंबर जैसे जैसे एक स्टूडेंट के 500 नंबर आ गए तो वो क्यों देगा, उसको लगता है कि वो बेस्ट आ चुके हैं और वो उसने अपने में से बेस्ट निकाल लिया है ना, तो अलग बात है। तो ये बात कंफ्यूजन जो है ये क्लियर कर लो, वो नीचे आपके एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन है कि अगर आप पेपर में आप अपीयर्ड हो गए हो, आपका रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट अच्छा आया, तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने ये GCC का, ये आशुतोष पटेल, इसने क्या लिखा है मैं दिखाता हूं यार, आशुतोष पटेल यार क्या लिखा है इसने, शायद आगे पीछे हो गया वो मेरे को लग रहा है, ठीक है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ऑल इंडिया का CUT एस्पिरेंट ग्रुप, इसमें लिखा है जिनकी ग्रीवेंस थी ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट अबाउट रीटेस्ट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन CUT UG हैव ऑल्सो बीन कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर किया गया है, क्योंकि NTA अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, वो नहीं कहना चाहता कि आप ये कहो कि भैया हमें समान अवसर नहीं मिले, हमें तो भैया खराब स्क्रीन मिली थी, हमारा बार बार ब्लैक आ रहा था क्वेश्चन की जगह, हमारा ये हो रहा था वो हो रहा था, उन्हें कहा दोबारा पेपर दो, आप रीटेस्ट करो, उसके बाद आपके दोनों में से जो बेटर नंबर है उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो आशुतोष ने भी भाई लिखा है, ये आशुतोष का मैं, ये आशुतोष पटेल ने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट में, तीन दो ने रीट्वीट भी करा, तीन ने लाइक भी करा, इसने मेरे को भी भेजा था। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरा आग्रह है कि CUT बच्चों की उत्तर कुंजी निकाल देने के बाद अब एडमिट कार्ड पुनः जारी कर दिया गया है, आप ही बताएं हम लोग क्या करें, बच्चे बेचारे अंदर से टूट चुके हैं, आप एक अंतिम उम्मीद की किरण है, प्लीज सर आप इसमें कोई एक्शन लीजिए। भाई देखो आशुतोष सही कह रहा है, जब आंसर की आ गई, हमने आंसर मैच कर लिए, तो आशुतोष मैं भी ये कह रहा हूं NTA ने इसमें तुम्हें एक और ऑप्शन दिया है कि आप अगर अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपने जब पहला पेपर दिया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच था, आप प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जैसे हर्षित का था,
आपका भी था, कृति का भी था, और भी बच्चे थे। आपने अब पहला पेपर दिया, लेकिन जिन्होंने दूसरी तीसरी बार में पेपर दिया उनके नंबर 500 से ऊपर है, आपके भी नंबर 450 से ऊपर आए हैं। मैं आशुतोष, आपने जो बताया मेरे को बढ़िया नंबर है 700 में से, और जिस भी बच्चे के 300 से ऊपर नंबर हैं भाई, उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अच्छा कॉलेज के लिए आपको HBTU की अलग से काउंसलिंग का, अभी यहाँ पे जैसे BTEC आ रहा है ना एडमिशन थ्रू JEE, यहाँ पे आ जाएगा BTEC लेटर एंट्री CUET के थ्रू। लेकिन 11 के बाद दो चार दिन का टाइम मिलेगा, उसका भी रिजल्ट आएगा, वो भी मैच होंगे, उसके बाद आपका ये काउंसलिंग प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्कोर, मतलब आप अपना स्कोर तो मैच कर ही पा रहे हैं, एक आपका एडमिट कार्ड की जगह आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। वो स्कोर कार्ड आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, HBTU में करना है। मेरे पास एक स्कोर आ गया, जैसे हमें हम MTech, जैसे हमने BTEC करी, BTEC के बाद हम गेट एग्जाम देते हैं, गेट का हमारा पेपर कोई IIT लेती है और गेट का एक स्कोर आ जाता है। स्कोर आने के बाद अगर मुझे NITs के अंदर अप्लाई करना है तो उसकी अलग काउंसलिंग होती है, IIT के लिए अलग काउंसलिंग होती है, DTU के लिए अलग, NSUT के लिए अलग, जामिया के लिए अलग, सब जगह मैं अपना अपना गेट स्कोर डालता हूँ। उन गेट स्कोर में मान लो DTU के पास 50 बंदों ने अप्लाई करा, उसके अंदर 50 गेट स्कोर आ गए, तो वो उन्हीं 50 गेट स्कोर के बेसिस पे, हालांकि हो सकता है कि भैया हमसे ऊपर वाले भी गेट स्कोर हो लेकिन उनने DTU में अप्लाई नहीं करा, है ना। मान लो मेरा 99% आया गेट में और मैंने DTU में अप्लाई करा, मैंने अप्लाई नहीं करा, मैंने सिर्फ IIT में अप्लाई करा, और मेरे बाद 78% वाले ने DTU में अप्लाई करा, 80 वाले ने करा, तो जरूरी नहीं, 99 वाले को कॉल नहीं आने वाला। जिन्होंने अप्लाई करा उनकी बेसिस पे रैंक बनेगी, उनकी अगर 18 सीटें हैं तो उन्हीं 50 बंदों में से 18 बंदे ले लिए जाएंगे रैंकिंग के बेसिस पे। तो आपको मेरे हिसाब से HBTI का अप्लाई करना पड़ेगा, 100-150 रुपए भरना पड़ेगा, 100-150 कह रहा हूँ, 1000-1500 रुपए जितने का भी एप्लीकेशन है वो भरना पड़ेगा। ऐसे ही MMUT का भी करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको AKTU का भी करना पड़ेगा। AKTU में जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने सरकारी कॉलेज हैं जो AKTU के माध्यम से लेंगे, काउंसलिंग के माध्यम से बेटे, उनमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। AKTU ने तो अपना पोर्टल ये है uptacadmission.nic.in ये जारी कर दिया है। इसमें प्लस टू वालों का तो शुरू हो गया, 20 तारीख लास्ट डेट है, आपका अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा। जैसे ही आपका शुरू होगा मैं खुद आके बता रहा हूँ। ऐसी MMUT में JEE मेन्स फर्स्ट ईयर के थ्रू स्टार्ट हो चुका है, होम स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट्स के लिए भी, लेकिन जो CUT UG और PG है उसकी काउंसलिंग रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद होगी। अभी आंसर की आई है, इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मतलब है आपके पास स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन मुझे लगता है 11 तारीख को पेपर है, तो उसका भी एक बार आंसर की आने के बाद फाइनल रिजल्ट तैयार होगा टोटल का, ठीक है। उनमें से आपके जो बेस्ट होंगे वो लगा दिए जाएंगे। तो पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, आपने अभी भी अगर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं, अपना इंस्टाग्राम को नहीं लाइक किया तो कर लो भाई, फॉलो नहीं किया तो कर लो भाई। मेरा खुद का भी अपना इंस्टाग्राम हैंडल है नवीन मुंजाल के नाम से, मैं बार बार हर बार बताता हूँ। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कम देख पाता हूँ, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं अपनी डे टू डे लाइफ यार शेयर करता हूँ, वो मेरा अपना है, है ना। कई बच्चे होते हैं जो कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसलिए है, मैंने बताया, ठीक है। बाकी आपको किसी तरीके का कोई डाउट रह गया हो, आपका स्कोर बढ़िया है तो आप नीचे कमेंट करो कि सर मेरा इतना स्कोर है, ठीक है, इतने मतलब मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। बाद में आप जब फाइनल स्कोर आएगा तब भी आपको पता लगेगा, वो स्कोर आपको, स्कोर शायद परसेंटाइल में आए या किस फॉर्म में आए, वो आपको अलग अलग HBTI MMUT AKTU अलग अलग, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपको काउंसलिंग किस माध्यम से करनी है। आज का वीडियो बेटे सुबह से बच्चे परेशान हो रहे थे, इवन बच्चे रात में भी कॉल कर रहे थे, कोई मैसेज कर रहा था 12 बजे, जब जैसे जैसे उन्होंने अपनी आंसर की मैच करी, किसी को किसी क्वेश्चंस में डाउट थे, तो बेटे उसके लिए आशुतोष सर से कॉन्टेक्ट किया, सर ने भी बताया मेरे को, ठीक है। और GK GS एप्टीट्यूड क्वांट जहाँ भी कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो फैकल्टी है उनसे कंसर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GCC की पूरी टीम आपके साथ है। मुझे पता है कि ये NTA ने UP वाले डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, उनकी तैयारी एक होता है पूरी तैयारी पैटर्न से करना, पेपर देना, उसके बाद रिजल्ट आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पोस्टपोन, ये वो, कैंसल, टेक्निकल ग्लिच, उसमें बच्चे जो हैं डिस्टर्ब रहे हैं ज़्यादा। तो उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनको एडमिशन मिल रहा होगा, किसी के नंबर कम भी हैं उनको भी एडमिशन मिल रहा होगा,
काउंसलिंग ध्यान से करनी है, तीनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूपी के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, हिंदुस्तान के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है भाई। तो माता पिता का आशीर्वाद लेते रहना है, दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा से शक्ति मांगनी है। एग्जाम देने मेरे हिसाब से जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो, अगर आपके नंबर बढ़िया आए हैं, आपको लगता है कि मुझे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अटेम्प्ट बेशक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने बेटे यहाँ पे ओरिजिनल एक ये आपको आंसर की का भी बता दिया, ये आपको उसका भी बता दिया, और आप फटाफट से जाके अपना ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट करना भाई, दबा के कमेंट करो, दबा के प्यार दो, और अगर सब बढ़िया है तो जय माता दी, जय भारत, जय हिंद लिखना भूलना मत, भूलना। ओके बेटे।